हाय गाइस, कैसे हो? तो लास्ट वीडियो में बताए थे दूसरे स्टेट में जाके कैसे गाड़ी परचेस करना है, और इस वाला वीडियो में आज और ये वाला वीडियो में बताएंगे गाड़ी परचेस कर लिए लगभग 2-3 महीने हो गया, 2-3 महीने रन किए रखा था, अभी घर पे लेके आओगे, अपना स्टेट में लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे? एक तो रेलों में लेके आओगे, नहीं तो बुकिंग कराओगे, नहीं तो राइड करके लेके आओगे। तो फिर जो RC होते हैं, ऑनर सी गाड़ी का, जो पेपर पेपर भी खुद का नाम पे नहीं होते, तो फिर गाड़ी खुद का नाम पे नहीं होता है, तो फिर उस गाड़ी को कैसे लेके आओगे? तो फाइनली किसके साथ हुआ है पता नहीं, तो शायद मेरे साथ हुआ था। हाँ, मैंने गाड़ी परचेज किए थे घर पे आने के 3 महीने पहले, ठीक है, तो 3 मंथ पहले। और जब मैंने बोला उनसे कितना दिन में ओनरशिप चेंज हो जाएगा, तो सबका ओनर जो था उन्होंने बोला लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो लगभग मैं 2 महीना हो गया, 2 महीने के बाद मैंने ऑनलाइन में चेक किया ओनरशिप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर नहीं हुआ था। तो मैंने ओनरशिप में जो सबका ओनर था उनसे बोला, मेरे गाड़ी जो परचेस किए थे उस गाड़ी का ओनरशिप चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने नंबर मांगा, तो मैं गाड़ी का नंबर दिया, तो उन्होंने बोला ये और 15-20 दिन टाइम जाएगा। तो मैंने ठीक है। तो फिर तो उस टाइम एक दोस्त को छोड़ने के लिए मैं गया था लोकमान्य टर्मिनस में, लोकमान तिलक टर्मिनस LTT जिसको बोलते, तो वहाँ पे गए थे छोड़ने के लिए। तो मुझे ऐसे याद आ गया कि अब मुझे तो गाड़ी भेजना है, तो फिर थोड़ा पहले से जानकारी हो जाता तो अच्छा होता। तो फाइनली मैं गाड़ी पार्सल ऑफिस में गया, कार वहाँ पे एक एजेंट था, बैठा था ऑफिस के आगे। तो मैंने जाके पूछा मुझे एक सामान भेजना है, तो उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला एक गाड़ी भेजना है, तो उन्होंने बोला खुद के नाम पे है क्या गाड़ी जो है, खुद के नाम पे है क्या, पेपर है क्या? मैं बोला हाँ है, तो लेकिन मेरे नाम पे नहीं हुआ था। मैं सोचा 15-20 दिन में हो जाएगा लगभग, मुझे तो 1 महीना रहना पड़ेगा, तो फिर हो ही जाएगा। तो ऐसे करके मैंने बोल के आ गया, मेरा नंबर दे, उनका नंबर लिया और रूम पे आ गया। और लगभग घर पे आने के 5 डेज 5 दिन पहले मैंने फिर दोबारा चेक किया, तो फिर उस टाइम भी मेरे नाम पे नहीं हुआ था गाड़ी। हाँ, तो फिर मैंने फिर दोबारा शॉप में फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला ये बैंक का गाड़ी है, खींचा हुआ गाड़ी है, थोड़ा टाइम जाएगा, और वो 10 दिन पकड़ के रखो। तो मैंने सोचा ठीक है, हाँ 10 दिन पकड़ के रखो, तो कैसे हो पाएगा 10 दिन? उधर बोल रहा है इधर 5 दिन से बात है, 5 दिन के मेरा टिकट भी हो गया, लेके आना पड़ेगा घर पे अपना स्टेट में। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने के अंदर भी नहीं हुआ, 3 मंथ निकल गए अभी तक नहीं हुआ। फिर मैंने 2-4 बार उनको बोला, उन्होंने बोला हो जाएगा, अभी कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो जो एजेंट था LTT में, उस एजेंट से नंबर उनका लिया, मेरा भी दिया, तो उनसे फिर दोबारा बात किया। मैंने बोला देखो ऐसा कंडीशन है, जो गाड़ी था मेरे नाम पे नहीं है, दूसरे के नाम पे है, तो उसको कैसे लेके जाए? तो उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैं बोला ऐसे ही मैं लेके जाऊँगा, घर पे जब जाऊँगा तो गाड़ी साथ में लेके जाऊँगा, किसी तरह उनको राइड करके हो गया, नहीं कि गाड़ी में बुकिंग करके हो गया। तो मैं उन्होंने बोला ठीक है, तो देखता हूँ कोई रास्ता है क्या। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर जो फास्ट ऑनर था, फास्ट ऑनर का क्या क्या प्रूफ है? मैंने बोला उनका तो कोई प्रूफ नहीं है, ओनली RC है, RC है और POC है, इंश्योरेंस है, बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो प्रूफ जो फास्ट ऑनर था गाड़ी का उनका कोई भी प्रूफ लेके आ जाओ, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, यानी कि पैन कार्ड हो। तो मैंने शॉप जो था शॉप वालों ने उससे बात किया, बात करने के बाद मैंने पूछा जो गाड़ी थे गाड़ी का जो ऑनर उनका कोई प्रूफ है क्या? तो उनके पास प्रूफ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा उनके साथ ही बात करूँ, तो RC जो पुराना RC था फास्ट ऑनर के नाम पे, तो वहाँ पे एड्रेस होता है, तो एड्रेस पे नहीं गया, तो नंबर प्लेट से ऑनलाइन द्वारा उनका नंबर निकाला, बात किया, तो उन्होंने बोला मैं मुंबई पे नहीं हूँ, कोल्हापुर में था, तो आने में 5-7 दिन टाइम जाएगा। तो मैंने बोला जल्दी आ जाता तो अच्छा होता। तो उन्होंने बोला क्या काम है? तो मैंने बोला एक
मैं गाड़ी परचेस किया हूँ तो गाड़ी जो है आपके नाम पे है, अभी तक आप ही का गाड़ी था शायद। तो उन्होंने बोला हाँ, वो EMI में लिया था, EMI भर नहीं पाया तो गाड़ी के लेके आ गया। तो मैंने बोला आपका कोई प्रूफ दीजिए तो अच्छा होता। तो उन्होंने बोला मुझे टाइम लगेगा, तो मेरा भी इधर टाइम नहीं था। तो फिर दोबारा फ़ोन कट करके मैं फिर दोबारा जो पार्सल एंटिटी था ना उनके पास फ़ोन किया, एंटिटी मेरे पार्सल में था उनके पास फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, क्या क्या प्रोसेसिंग है, और खुद का आधार कार्ड ले लो, उसका पुराना जो RC है वो ले लो, उनका डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला वो ले लो, और ऑनलाइन में जब अप्लाई किए थे ओनरशिप चेंज करने के लिए 29 फॉर्म था शायद, तो वो वाला फॉर्म का कॉपी निकाल के लेके आओ, प्रिंट करके निकाल के लेके आओ, कर देंगे। तो फाइनली मैं इसे करके गया। तो उस टाइम में चार्ज के बाद नहीं बोला था, फर्स्ट टाइम एक बार बोला था 5,000 जाएगा, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो फिर मैंने वहाँ गया तो फाइनली बुकिंग वगैरह के प्रोसेसिंग किया, फॉर्म वगैरह भरा, हमसे एक बात भी नहीं पूछा। और मैंने पूछा आपका घर कहाँ, तो उन्होंने बोला खड़गपुर, तो मुझे बंगा। तो मैंने जब बोला मालदा टाउन जाने वाला है तो मुझे बंगाली में बात करने लगा थोड़ा बहुत। तो मैंने बोला देखो एक ही स्टेट का हूँ तो फिर थोड़ा देख सुन के कर दिया करो, तो उन्होंने कर दिया था। हाँ लेकिन वहाँ पे 5,800 रुपीज़ चार्ज किया था। तो मैं बोला इतना ज़्यादा क्यों, तो उन्होंने बोला आपका नाम पे तो है नहीं, ऊपर से मैं कितना जल्दी किया हूँ मुझे पता है। तो फाइनली करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और जो पेपर आया था जब मैं पार्सल किया था, लैगेज नहीं किया पार्सल किया, तो एक पेपर आता था वो मैंने वो फर्स्ट टाइम पैसे मांग रहा था जाने के टाइम में, और एक फॉर्म आता है फॉर्म में पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है, डिटेल्स भर के पैसे मांगने लगा। मैंने बोला फर्स्ट टाइम तो पैसे दूंगा ही नहीं क्योंकि गाड़ी मेरे नाम पे है नहीं, तो मुझे पैसा देना अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने मैंने बोला पेट्रोल निकालो गाड़ी को, पैकेजिंग पैक करो, उसके बाद ही मुझे बोला। तो फिर उन्होंने पेट्रोल निकाला, निकालने के बाद गाड़ी को पैकिंग किया, तो दो लड़के थे और एक लड़के, पैकिंग किया। तो फिर मैंने पैसे देने के इनकार करा था, हाँ बोला तो पेपर दो पहले तब देंगे। तो फिर वो और एक लड़का था, उन्होंने बोला दे दो मैं तो भाई इधर पैक कर रहा हूँ। तो मैंने पैसे दिया, उसके बाद जाएगा उधर ऑफिस में गया, पार्सल बुकिंग ऑफिस पे गया, जाके वो फाइनली बुक करा दिया था। और कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो बुक करने के बाद मेरा नेक्स्ट डे में गाड़ी था, तो नेक्स्ट डे में जब मैं गाड़ी में बैठा तो उसी टाइम मैसेज आ गया था जो आपका गाड़ी है वो गाड़ी छोड़ दिया है, इधर से गाड़ी बंगाल के लिए जा रहा है, ऐसे करके मैसेज आया था। तो मैं सोचा ठीक है मेरे गाड़ी में ही आ रहा है तो मैं उतर के गाड़ी को रिसीव करके निकल जाएंगे। तो फिर फाइनली वहाँ पे मेरे गाड़ी आया था नहीं, मालदा टाउन जब उतरा मैं गाड़ी नहीं आया था। तो मैं पार्सल ऑफिस में गया मालदा टाउन, तो उन्होंने बोला बॉम्बे से कोई सामान नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मैंने सोचा बाद में भी आ सकता है, तो फिर घर पे आ गया। घर पे आने के बाद लगभग एक दिन के बाद मैंने ऑनलाइन टैगिंग किया, वो मेरा सामान था मैं टैग किया। तो टैग कैसे करते हैं, जो पेपर देता है ना लैगेज में भेजो यानी कि पार्सल में भेजो, उस टाइम एक पेपर आता है, उस पेपर में पूरा डिटेल्स आता है, उस पेपर में एक नंबर भी आता है, तो टैग कर सकते हो सामान कहाँ पे है। तो मैंने टैग किया, तो एक दिन दो दिन बाद तो मुझे फाइनल दिखाई दिया, जो गाड़ी था वो अनलोडिंग हो गया था मालदा टाउन। तो फिर तुरंत मैं उधर गया, तो मैंने पूछा मालदा से कोई सामान आया, देखो अपना हाँ गाड़ी आया चेक करूँ, तो मैंने नंबर पर देख के चेक किया। तो मैं बोला गाड़ी को भी रिसीव करेंगे, तो उन्होंने बोला पार्किंग चांस जाएगा, तो फिर आप एक काम करो जाओ GST फॉर्म लेकर। GST फॉर्म मैंने डाला, उसका बाद मुझे गाड़ी फाइनली रिसीव कर दिया। तो वहाँ पे मुझे पार्किंग चार्ज कितना गया, 700 क्योंकि 2 दिन का टाइम हो गया था, और 6 घंटे के अंदर अगर गाड़ी अनलोडिंग होने के 6 घंटे के अंदर जाओगे तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो पर घंटे 10 रुपीज़ जाएगा। तो फिर ऐसे करके मुझे चार्ज अलग करना पड़ा। और जो लोग अनलोडिंग किए थे उन लोग को पास 100 रुपये के, उन लोग को आता है वो जाने के मतलब गाड़ी पार्किंग से निकाल देगा, उसके बाद अनबॉक्सिंग कर देगा, तो फिर वो मांगता है। तो ऐसे जैसे मुझे फाइनली गाड़ी तो मिला है, लेकिन मैंने अंदर जब था स्टोर में था उस टाइम मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, मेरा लेफ्ट हैंड का ब्रेक तोड़ दिया था, तो मैं उधर कंप्लेन करा तो उसको रिफंड मिल जाता। तो कभी जाओगे तो फिर अच्छा से चेक करके तो निकाल के लेके आना था, तो मुझे बाहर निकल के आ गया तो उसने मैंने चेक भी नहीं किया। तो फाइनली गाड़ी ऑलमोस्ट ठीक ठाक कैश वगैरह नहीं आया था, ऑनली खाली लेफ्ट हैंड का ब्रेक टूटा था।
यहाँ पे रूस की तरफ क्या होता है, जब गाड़ी को बाहर की तरफ जाएगा तो गेट पास होते हैं, चालान बोलते हैं, उनको साथ में रखा करो, क्योंकि उनको नहीं रखोगे ना तो पुलिस वाला दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में गाड़ी चलाओगे तो उस चालान को नहीं देखाओगे तो फिर गाड़ी कुछ भी कर सकता वो लोग, तो फिर उस चालान को दिखा दो तो फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो सोचेगा हाँ फाइनली ये गाड़ी यहाँ से आया है और लेके जा रहा है घर पे, उसको कागज़ जो पेपर है उनको रखो, और जो पेपर उधर से मिला था उस पेपर को भी जब जमा करोगे देखेगा आपका गाड़ी है कि नहीं प्रूफ के तरफ से, तो उस पेपर को भी एक कॉपी जैसे करके रख लो, उस पेपर को कैसे देखते हैं, अगर 6 घंटे के अंदर जाते हो तो पेपर को देखेगा उन लोग को, एक रजिस्ट्रेट होते हैं उसके अंदर सब कुछ बैठाएगा, उस कहाँ से आया क्या नाम है कौन रिसीव करेगा, ये सब बैठाने के बाद 2-3 जगह सिग्नेचर करना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी को फाइनल दे देता है। तो मैंने जब उस पेपर को देखा है तो पेपर को बराबर तरीके से मिलाया, कहाँ से आया क्या नाम कौन सा किसके नाम पे गाड़ी है कौन रिसीव करेगा कितना दूर से आया ये सब डिटेल्स पूरा भरना पड़ा, 2-3 जगह सिग्नेचर मारना पड़ा, उसके बाद गाड़ी फाइनली मिल गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया बिना आरसी का भी गाड़ी कैसे लेके आते हैं, तो फिर वैसा लिंक होना चाहिए, उस जो रिलेशन होना चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट में कोई भी आदमी रहता है तो उसको रिलेशन अच्छा रहेगा तो फिर करवा देगा, अगर नहीं है तो फिर बहुत चार्ज जा भी सकता है, तो ऐसे करके लेकर आना फाइनली। और अगर अपना नाम पे सब कुछ रहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ी भी अपना नाम रह जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, खुद सब कुछ करते तो फिर वहाँ पे 2 से 2.5 हज़ार के अंदर हो जाता। तो फिर यही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था हुआ और गाड़ी फाइनली आ गया। तो थैंक्स बाय, और नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा वो आएगा सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, तो फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय।